गुड इवनिंग बच्चों, हेलो हाउ आर यू। अरे रे, अनम्यूट मत करो रे, जस्ट हाँ बताओ। सो हाउ आर यू ऑल। चैट बॉक्स यूज कीजिए भाई, ऐसे रिप्लाई मत कीजिए अनम्यूट करके। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। And chaliye, in a short while, even I'm going to share my screen with you. So let me know, is it visible to you or not? Great. Chaliye. So, तो क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है? और भाई ये कौन है, म्यूजिकल U09? बेटा अपना नाम बताओगे क्या चैट बॉक्स में? म्यूजिकल U09। अब भाई ये कौन आ गया, आप कौन हो? अच्छा उत्कर्ष, मुझे लगा भाई ये कौन आ गया। अच्छा चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ भाई, कैसे हो, क्या हाल? मिड सेम खत्म हो गया क्या? MSU की बात कर रहा हूँ, मिड सेम्स खत्म हो गया क्या MSU वालों, या चल रहे हैं अभी? कल पेपर है। अच्छा चालू ही नहीं हुए, वाह। अच्छा सेम 3 वालों के चालू नहीं हुए, गुड। अच्छा है, चलो सही। और आई थिंक GTU के अंदर वाइवास चल रहे हैं, सबमिशंस एंड वाइवास चल रहे हैं, राइट? तो आई होप वहां तो उतना लोड नहीं होगा। ओके सो चलिए, तो आज इच्छा तो थी बाबा की आपको कुछ नया ज्ञान देने की, बट ठीक है चलिए। बाबा आज कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको, सीधा ही चालू करते हैं सेशन। क्योंकि आज का जो सेशन होगा ना, फिर लंबा हो जाएगा, फिर से संडे को मिलना पड़ेगा, और जो मैंने प्लान किया है आज वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो कुछ नहीं, चलिए आज बाबा की वाणी नहीं रखते हैं। अगर लगा मुझे कि पॉसिबल हो पाएगा, तो चलिए एंड में आपको मैं कुछ बहुत ही अच्छा दिखा दूंगा, जो आपने सुना होगा कॉलेज में, मगर पता नहीं होगा कि वो लोग वो करते क्यों हो और वो आया कहाँ से। ठीक है चलिए। सो अब तक हमने क्या क्या देखा, तो अगर मैं किसी से पूछूं तो ओके धनंजय, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट अस नो कि अब तक हमने क्या क्या देखा है इन द सब्जेक्ट। धनंजय हाँ, क्या ओके ओके और लास्ट हफ्ते हमने क्या देखा था, सोच के बता। नहीं, लास्ट वीक थोड़ी कन्वर्जन था, लास्ट वीक तो कुछ और पढ़ा था हमने। ओके इट्स ओके। हाँ हमने क्या पढ़ा था, यू कैन म्यूट योर सेल्फ, हम लोगों ने एडिशन पढ़ा था, राइट? हम लोगों ने एडिशन पढ़ा था इन ऑल द नंबर सिस्टम्स, लाइक हमारा कोई भी नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, हेक्सा है, या तो फिर ऑक्टल है, तो हमने वहां पे एडिशन करना सीखा था। एंड आई थिंक आपका जो असाइनमेंट है वो भी उसी के ऊपर है। तो चलिए आज जो करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर ब्रांच, बिकॉज कंप्यूटर वाले ये पढ़ते भी हैं और इसको यूज भी करते हैं इन डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बट चलिए इसको समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। और पहले हमारी बात हुई थी कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी वजह से इसरो का जो एक प्रोजेक्ट है वो फेल भी हो चुका है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है, बट द थिंग इज आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट का, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपने कॉलेज में ये पढ़ा ही होगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं, जो किताबी ज्ञान है उसकी बात कर रहा हूं, तो किताबी ज्ञान ये बोलता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं दो तरीके के, बराबर? जो आपको कॉलेज में भी सिखाया होगा, आपको पढ़ाया होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये होते हैं दो तरीके के,
एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। बोले हाँ कि ना? जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। बट माई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि पढ़ना क्यों है भाई? आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ले लो या आर्स कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये पढ़ना क्यों है? तो आई थिंक जिन जिन लोगों ने डेमो अटेंड किया है मेरा, उनको पता होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना क्यों होते हैं। मगर जिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है मेरा डेमो, उनको अब ये समझ में आएगा कि हम लोग ये आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट एंड आर्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ते क्यों है। तो अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप लोग ये पढ़ते क्यों हो। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि ये आपके सिलेबस में है और ये एग्जाम में आएगा इसलिए आपको पढ़ना है। नहीं भाई नहीं, मेरे पास इसका रीजन भी है कि हम इसको पढ़ते क्यों है, राइट? तो पहले पढ़ते हैं इसको, शायद अगले हफ्ते हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम इसको यूज कहां पे करेंगे, राइट? चलिए, तो अगर यहां पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि भैया यहां पे आर क्या है, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे आर है क्या? तो अगर मैं यहां पे आर की बात कर रहा हूं तो आर इज नथिंग बट बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। आर इज नथिंग बट बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो अब मुझे ये बताइए कि हम लोग रियल लाइफ में अब तक आई मीन से अप टू 12th स्टैंडर्ड हमने कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो किया है? अब तक हमने कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो किया है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं डेसिमल नंबर सिस्टम का, तो यहां पे सबसे पहले शुरुआत होगी विथ अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, तो बताइए इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम बेस क्या होता है भाई? एग्जैक्टली आपका जो बेस होता है वो बेस 10 होता है। तो जो आर होगा ये आर का वैल्यू हो जाएगा 10। बताइए हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं डेसिमल के लिए बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्स का, तो बताइए डेसिमल के लिए कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या हो जाएगा? अगर हम बेस 10 की बात कर रहे हैं तो बेस 10 के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल होंगे? एक तो होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। वेर आर इज वॉट, चलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, वेर आर रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो चलिए अगर मैं बात कर रहा हूं बेस 10 नंबर सिस्टम का, तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे? बता सकोगे आप लोग कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे? ग्रेट, आर रिप्रेजेंट्स बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं फॉर बेस 10 नंबर सिस्टम, सो फॉर बेस 10 नंबर सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आर्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो बताइए आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फॉर बेस 10 नंबर सिस्टम आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बताओ इन केस ऑफ बेस 10 नंबर सिस्टम आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्या वो 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो आर जो है वो है बेस ऑफ द सिस्टम, तो इन केस ऑफ बेस 10 नंबर सिस्टम जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं जो है हमारा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट फॉर बेस 10 नंबर सिस्टम आर माइनस वन क्या हो जाएगा भाई? आर माइनस वन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आर माइनस वन हो जाएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये है कि भैया कॉम्प्लीमेंट है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये है कि कॉम्प्लीमेंट्स है क्या? एंड बिलीव मी, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम, और जैसे ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम खत्म करेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट का आइडिया लग जाएगा, और इसी को हम पूरा इंप्लीमेंट करेंगे फॉर एनी अदर बेस सिस्टम, राइट? तो ये है हमारा प्रोसेस, ये हम उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए
आई थिंक रोडीज सब लोग देखते होंगे. एनीवन यहाँ पे रोडीज के फैन? कोई है रोडीज के फैन ओवर हियर? नहीं. अच्छा, ना. हाँ नहीं, ठीक ठाक होता है, इतना कुछ अच्छा नहीं होता है. ओके, रोडीज को छोड़ दीजिए. एक और कुछ लेते हैं, मे बी बिग बॉस. छोड़िए बिग बॉस भी छोड़िए. आई थिंक आई विल गो फॉर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया. तो आई थिंक आपको इंटरव्यू में पता होगा कि इंटरव्यू में होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट. नाम सुना है इसके बारे में? सर अभी सेकंड ईयर में है सर, कहाँ से साइकोमेट्रिक टेस्ट? अभी तो प्लेसमेंट क्या होता है यही समझ में नहीं आता है, और क्या आप बात कर रहे हो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में? कुछ नहीं, कुछ 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 होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट. जब लोग आप लोग आओगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, सो यू विल कम टू नो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है. तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ. ये जो क्वेश्चन है वो जनरली आपको इंटरव्यू में ही पूछेंगे. अब क्या पूछेंगे सुनिएगा, क्या पूछेंगे सुनिएगा. सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ अतरंगी नहीं है. यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है तो आपको क्या दिख रहा है, चलिए बताइए. जो यहां पे मैंने ड्रॉ किया है वो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है? गुड, अ बकेट और अ ग्लास. तो चलिए, आई थिंक सब लोगों का आई टेस्ट हो गया है, सबकी आंखों का टेस्ट हो गया है, तो सबको यहां पे ये ग्लास दिख रहा है, बराबर है? चलिए, तो अब मुझे यहां पे ये बताइए कि ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है, तो ये ग्लास के अंदर मैं यहां पे पानी भर रहा हूं, ये ग्लास के अंदर मैंने पानी भरा है, बराबर? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप क्या बोलोगे? यही होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, कि आपके सामने इंटरव्यू में ये पानी से भरा हुआ ग्लास रख देंगे जो आधा भरा हुआ होगा, और आपसे पूछेंगे कि आपको इसमें क्या दिख रहा है. तो बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या करोगे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ओके, हाफ ग्लास फिल्ड विथ वाटर. अच्छा, यानी कि कोई एक आंसर करेगा कि सर ये जो ग्लास है ये ग्लास आधा भरा है, और ऑब्वियसली कोई ये आंसर करेगा कि सर सर जो ग्लास है वो आधा खाली है, ये भी हम बोल सकते हैं, राइट? इसी सिचुएशन को बोलने का दो अलग अलग तरीका है, बोले हाँ कि ना? इसी सिचुएशन को बोलने का दो अलग अलग तरीका है. कोई ये बोल सकता है, कोई ये बोल सकता है कि सर ये जो ग्लास है वो ग्लास आधा भरा है, बराबर? मगर कोई एक जो होगा, कोई एक उल्टा सोचता होगा, तो वो ये बोलेगा कि नहीं सर, जो ग्लास है वो ग्लास आधा खाली है, बोले हाँ कि ना? क्या दोनों गलत है? नहीं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक. तो शिवांगी शिवानी, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली इंटरव्यूअर चेक. तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है वो फील्ड वाटर है. आई वैसे ये बोलेगा कि भैया ये फील्ड है, ये फील्ड है, और ये बोलेगा ये एम्प्टी है, बराबर? ये दो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं. तो भैया कॉम्प्लीमेंट जो है ना, कॉम्प्लीमेंट भी ऐसा ही है. ओ तेरी, सर ने फिर से गलती कर दी स्पेलिंग लिखने में. हाँ, एम्प्टी. तो अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट का, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी चीज है कॉम्प्लीमेंट. इसको यूज कहां पे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. तो चलिए, अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो चलिए मुझे बताइए कि अगर मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए, तो मैं बताओ कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? अभी मैं कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? एग्जैक्टली, मैं आपको सिखा रहा हूं डेसिबल नंबर सिस्टम. तो चलिए, अगर हम बात करते हैं फॉर द डेसिबल नंबर सिस्टम, तो मुझे बताइए इन केस ऑफ डेसिबल नंबर सिस्टम हमारे पास यूनिक नंबर्स कहां से कहां होते हैं? इन केस ऑफ डेसिबल नंबर सिस्टम्स हमारे पास यूनिक नंबर्स कहां से कहां होते हैं? एग्जैक्टली 0 to 9 होते हैं, राइट? तो चलिए मैं यहां पे आपके लिए कोई एक नंबर उठा लेता हूं, मैं कोई एक नंबर उठा लेता हूं, और मैं लेता हूं सिंगल डिजिट नंबर. मैं क्या ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं सिंगल डिजिट नंबर. तो अगर मैं यहां ले रहा हूं सिंगल डिजिट नंबर, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं सिंगल डिजिट नंबर, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई एक नंबर उठा लिया है, एंड दैट नंबर इज से 4. दैट नंबर इज से 4. नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब मुझे बताओ कि सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है? सिंगल डिजिट डेसिमल में
स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल है? बराबर। कौन सा पॉसिबल है? जीरो पॉसिबल है। बोलो हाँ कि ना। स्मॉलेस्ट नंबर जीरो पॉसिबल है। अब मुझे ये बताओ कि लार्जेस्ट नंबर इन अ सिंगल डिजिट कौन सा पॉसिबल है? लार्जेस्ट नंबर इन द सिंगल डिजिट कौन सा पॉसिबल है? बिल्कुल सही, वो है नंबर 9। तो बस यही है हमारा ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। मेरी बात सुनिएगा, यहां पे जो 4 है तो ये 4 को लिखने का दो तरीका है, ये 4 को लिखने का दो तरीका है। हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो नंबर 4 है, जो नंबर 4 है, ये नंबर 4 स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से 4 कदम की दूरी पे है। बोले हाँ कि ना। क्या मैं कुछ गलत बोला? जो 4 है वो 4 स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो है इन द गिवन फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू फॉर द गिवन डिजिट फॉर द गिवन डिजिट्स ये जो है 4 कदम की दूरी पे है। तो ये क्या होगा? ये होगा परसेप्शन क्या किसका? ये होगा परसेप्शन की फील्ड है। ये परसेप्शन क्या होगा? फील्ड वाला परसेप्शन होगा कि ये फील्ड है। मगर इसको बोलने का क्या एक और तरीका है? क्या इसको बोलने का क्या एक और तरीका है? हाँ सर, एक और तरीका है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 4 है वो 4 मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर फॉर द गिवन नंबर ऑफ डिजिट उससे 5 कदम की दूरी पे है। बोले हाँ कि ना। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं फॉर द सिंगल डिजिट नंबर का, तो सिंगल डिजिट नंबर के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 9 है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 4 नंबर है वो 5 कदम की दूरी पे है, आई मीन से 5 कदम पीछे है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो परसेप्शन है ये एम्प्टी वाला परसेप्शन है। बोले हाँ कि ना। ये जो है वो एम्प्टी वाला परसेप्शन है। कैसे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पानी है वो पानी भरा है अप टू 4 लीटर्स। अगर टंकी है, टंकी हमारा 9 लीटर्स तक का है, टंकी जो है उसका कैपेसिटी है 9 लीटर्स तक का, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर वो सतह से 4 लीटर तक भरा हुआ है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर जो पानी है वो 5 लीटर खाली है। बोलिए हाँ कि ना। क्या ये दोनों परसेप्शन समझ रहे हो आप लोग? हाँ। तो ये जो परसेप्शन है ना, ये जो परसेप्शन है कितना बाकी है, कितना एम्प्टी है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां पे कोई एक एग्जांपल लेता हूं जो है मेरे पास, सपोज नंबर है, सपोज नंबर इज 89। सपोज नंबर जो है, अच्छा सो लेट अस मूव फ्रॉम सिंगल डिजिट टू से डबल डिजिट और मैं से टू डिजिट्स। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द टू डिजिट्स, तो चलिए मुझे आपका परसेप्शन बताइएगा। तो यहां पे मैं ले रहा हूं टू डिजिट्स। अगर मैं ले रहा हूं टू डिजिट्स, तो चलिए मुझे बताइए, नंबर जो है लिया है मैंने 89, नंबर लिया है 89, तो बताइए हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? फॉर 89 हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फॉर दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फॉर दी गिवन डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ओके आप 10 की बात कर रहे हो, लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इवन यहां पे भी स्मॉलेस्ट नंबर क्या 00 पॉसिबल है? हाँ सर, 00 पॉसिबल है, तो ये भी स्मॉलेस्ट है। तो हम एक एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो 89 कदम जो है, जो नंबर है वो 89 कदम आगे है फ्रॉम दी ओरिजिन। बोले हाँ कि ना। नंबर जो है वो 89 कदम आगे है फ्रॉम दी 00। बट अब मुझे ये बताइए कि यहां पे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा? फॉर दी गिवन प्लेस वैल्यू लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली बेटा लोग, हाईएस्ट नंबर यहां पे हो जाएगा 99। बोलिए हाँ कि ना। हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 99। तो अब मुझे यहां पे ये बताइए कि जो हमारा नंबर 89 है वो आपका 99 जो मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर है उससे कितना पीछे है? उससे कितना पीछे है? 10 कदम की दूरी पे है।
बोलिए हाँ कि ना, 10 कदम की दूरी पे है। तो भैया ये जो दूरी है फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ये जो दूरी है ये दूरी को ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या ये बात समझ में आई आपको? जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू, फॉर द गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर ऑफ नंबर सिस्टम, जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा उससे जो दूरी है ना ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अगर मैं आपको यही चीज समझाता हूं अलग से, तो चलिए सबसे पहले यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो है आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये कर क्यों रहे हैं, तो जस्ट शब्द रखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि ये कर क्यों रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जो करते हैं हम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए फॉर बेस 10 नंबर सिस्टम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली ये बन जाएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट, बराबर है, ये बन जाएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अगर पढ़ते हैं हम 9th कॉम्प्लीमेंट को, तो यहां पे एग्जांपल्स करते हैं, तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो चलिए मुझे बताइए नंबर 5 या नंबर 6, तो चलिए बताइए नंबर 6 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, मुझे बताइए नंबर 6 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या करोगे नंबर 6 का 9th कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन करने के लिए क्या करोगे? हाँ बेटा, 9th कॉम्प्लीमेंट अगर ऑब्टेन करना है 6 का, तो क्या करोगे भाई आप लोग? यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर फॉर द गिवन डिजिट फॉर द डेसिबल करोगे, तो 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3। क्या ये सबको समझ में आया कि 9 माइनस 6 जो है वो 3 हो जाएगा, बराबर है? चलिए बराबर है। अगर मैं लेता हूं कि नंबर जो है वो है 65, सपोज नंबर इज 65, तो बताइए इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या आप कैसे फाइंड करोगे 65 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 65 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड गुड गुड, 34 होगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहां पे करेंगे 99 माइनस 65, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 34। क्या सबको ये क्लियर है? ओके दैट्स ग्रेट। अगर मैं लेता हूं यहां पे नंबर से 990 का 9th कॉम्प्लीमेंट, चलिए बता पाओगे 990 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 990 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एग्जैक्टली 9 होगा। क्या किया आप लोगों ने फॉर 9th कॉम्प्लीमेंट? हाँ क्या किया आप लोगों ने? एग्जैक्टली मैंने बोला था आपको कि आपका जो गिवन पॉसिबल है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर रहेगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है कि आपका 9th कॉम्प्लीमेंट है 990 का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 999, ये हो जाएगा आपका 999 माइनस 990, आंसर हो जाएगा 9। समझ रहे हो ये पूरा का पूरा 999 माइनस 990, इट वुड बी 9। अच्छा, तो सर अगर ये 9th कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम यहां पे बात करेंगे 10th कॉम्प्लीमेंट का, तो वो क्या होगा? तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं 10th कॉम्प्लीमेंट के बारे में, या अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट, तो सर आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं फॉर द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। अभी एक बार समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्स होते क्या है, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूं। तो चलिए अगर मैं यहां पे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तो फॉर डेसिबल नंबर सिस्टम जो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या वो 10th कॉम्प्लीमेंट होगा? इन केस ऑफ डेसिबल नंबर सिस्टम जो 10th आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या वो 10th कॉम्प्लीमेंट होगा? हाँ सर, वो 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये समझ लीजिए आप लोग। अगर मैं बात कर रहा हूं 10th कॉम्प्लीमेंट का, तो वो होता है 9th कॉम्प्लीमेंट, वो होता है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर प्लस 1। क्या ये समझ रहे हो? अगर हम 10th कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1।
तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। अगर मैं बोलता हूं कि चलिए मुझे निकालना है टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर, मुझे निकालना है टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर, तो बताइए क्या होगा? टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर, बहुत सही बहुत सही। अगर हम यहां पे टेंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सही, तो बहुत सिंपल सिंपल है, क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे रुक ना, तुझे अभी अतरंगी की चीज दिखाता हूं मैं। तो पहले निकालेंगे इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका नाइन माइनस फोर, ये हो जाएगा आपका फाइव, और इसमें हम प्लस वन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर सिक्स। बराबर है, बराबर है, सबको समझ में आया है? अरे हाँ सर, सिंपल है ये तो। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 39। चलिए बताइए 39 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं। 39 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? गुड गुड गुड, सिंपल है ना, 61 होगा, राइट। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे 99 माइनस 39, बताइए क्या हो जाएगा? 99 माइनस 39 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 60 प्लस 1 ये हो जाएगा 61। बोलिए हाँ कि ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, से नंबर इज 400, ऐसे 401। चलिए बताइए इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू टेक योर टाइम। अरे बाप रे, फटाफट से आंसर आ गया 599। चलिए सबका आंसर ये आ रहा है, चलिए सब लोग मुझे बताइए कि सबका आंसर ये आ रहा है 599। हाँ सर बिल्कुल सिंपल है ये तो, क्यों इधर टाइम पास कर रहे हो? अरे आ रहा हूं ना भाई, आ रहा हूं। 599 माइनस 401 ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 598 और प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 599। बराबर है। अब चलिए किस किस लोगों को इंटरेस्ट है इसका एप्लीकेशन जानने में, अभी कैसे इसका एप्लीकेशन बताओ यार, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, इसका एप्लीकेशन बताओ। अच्छा जानना है, अच्छा 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 जान ही लेना है। अच्छा अच्छा चलो तो जान लेते हैं, चलो तो जान लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो चलिए एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, आप मुझे आंसर कीजिएगा, है ना। अब मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये करना आता है? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो किसी को भी आएगा। क्या आपको ये करना आता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो विदाउट कैलसी, अरे नींद में से पूछोगे तब भी इसका आंसर सही दे देंगे। अच्छा सही। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप ये कर पाओगे? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, अरे सर कुछ हम लोग कुछ अनपढ़ गवार थोड़ी ना है, ये भी आता है सर, इसका आंसर सर 1 हो जाएगा। हाँ सर ये तो आता है हमको, यहां पे नया क्या दिखाया सर, तो नया आपको मैं दिखा रहा हूं। अब मेरी बात समझिए, जिन जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो उनको ये पता है कि अब मुझे ये जो चीज है 4+3 and 4-3, ये जो चीज है ना ये मेरे को नहीं करनी है रे, ये चीज मेरे को करनी है, मेरा मकसद है ये करना, मेरे को करना है ये सब, नहीं करना ना मेरे को। मेरा मकसद क्या है, मेरे को ये सभी चीजें किससे करवानी है, हैं? मेरे को ये सभी चीजें किससे करवानी है, हाँ मेरे को ये सभी चीजें कंप्यूटर से करवानी है, मेरे को ये सभी चीजें कैलकुलेटर से करवानी है। तो अब मुझे ये बताओ, हाँ बाइनरी में ही करेंगे नित्य, बाइनरी में ही करेंगे, मगर मैं आपको ऊपर ऊपर से एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि ये जो एडिशन हुआ या सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये हम कैसे करेंगे इन कैलकुलेटर। नित्य इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, हमने कुछ तो देखा है हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर,
अगर ये हम बात कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, ये ए और बी को हम कहीं पे रखेंगे, वहां से कहीं पे लेके आएंगे, वहां कोई ऑपरेशन करेगा, तो नित्य क्या तू बता पाएगा यहाँ पे एक्चुअली में इनसाइड मशीन क्या होगा? नित्य सुन पा रहा है? हाँ बता, मशीन में क्या होगा, कुछ याद है तेरे को? हाँ मगर वो दोनों नंबर्स कहां पे होंगे? हम लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो कहां लिखेंगे? अतेरी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा यानी कि हम सीधा सीधा लिखते हैं इनसाइड द प्रोसेसर। वाह भाई वाह, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। तो मेरी बात समझिए, आप लोग कुछ भी सीधा इनसाइड प्रोसेसर एक्सेस नहीं कर सकते हो। यू कांट एक्सेस योर माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली। जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये पूरा बक्सा दिखाया था मैंने, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू माइक्रो प्रोसेसर। यू कैन एक्सेस टू माइक्रो प्रोसेसर थ्रू आपका मेमोरी। तो जब आप लिखोगे तो मुझे बताओ नित्य, हमने क्या देखा हुआ था, ये नंबर ए और बी हम कहां पे लिखेंगे? हम लिखेंगे मेमोरी में। मेमोरी में से ये दोनों नंबर जाएगा इनसाइड एएलयू, यानी कि जाएगा इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर, और उसके अंदर जो एएलयू है वो ये काम करेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ रहे हो? जो माइक्रो प्रोसेसर है बेटा, हम लोग उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है, कभी आप ऐसा बोलते हो कि जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसमें मेमोरी कम है तो वो लोड नहीं ले पा रहा है, अभी डेटा और स्टोर नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसका मेमोरी बहुत कम है। भाई मेमोरी जो है वो पूरा अलग है। मेमोरी जो है आपका हार्ड डिस्क है। आप जो बोलते हो आपके मोबाइल के अंदर 64 GB या 128 GB, ये मेमोरी यूनिट अलग से होता है। आप जब भी सॉन्ग डालते हो या आप जब भी कुछ डाउनलोड करते हो तो ये जाता है सीधा कहां पे? मेमोरी में जाता है। इट इज नॉट गोइंग इन साइड द प्रोसेसर, राइट? तो वो मेमोरी में स्टोर होगा। अगर आप लोग मोबाइल में देखते हो तो वहां पे होता है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। बोले हाँ कि ना, आपके मोबाइल के अंदर होता है इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। जो एक्सटर्नल होता है वो आप लोग बाहर से कनेक्ट करते हो, बराबर है? जो इंटरनल है वो जनरली कम ही होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी का, तो हमारा जो एक्सेस होता है वो होता है एट मेमोरी लेवल। हम सीधा का सीधा जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको तो हम सीधा कुछ एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो यहां पे भी जब हम बात करते हैं एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, तो शिवानी आप कुछ बोल रहे थे और आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, आप क्या बोल रहे थे? अगर ये एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो आप कुछ सही बोल रहे थे पहले कि क्या एप्लीकेशन है इसका। क्या आप समझा पाओगे? आई थिंक आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। तो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो मुझे ये बताओ, यहां तो हम मैन्युअली कर रहे हैं ना, यहां हमने 4+3 किया, यहां 4-3 किया, ये मैन्युअली किया, मगर हमें ये सभी चीज करवाना है थ्रू मशीन। बोले हाँ कि ना, ये सब कुछ करवाना है हमें थ्रू अ मशीन और कैलकुलेटर। अगर ये मशीन को करवाना है तो मुझे ये बताओ, अगर मशीन ये करेगा तो मशीन को करने के लिए कुछ वहां पे सर्किट चाहिए रहेगा। मशीन अगर ये काम करेगा तो क्या उसको करने के लिए वहां पे कुछ सर्किट चाहिए रहेगा? कुछ वहां पे वो गेट्स यूज करेगा, लॉजिकल गेट्स यूज करेगा। आई थिंक जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा है उनको पता है कि सर मशीन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कॉलेज में जो होता है फुल एडर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। बोले हाँ कि ना, आई थिंक ये जो चीजें हैं, ये जो सर्किट्स हैं, ये सर्किट्स आप लोगों ने कॉलेज में थोड़ा बहुत तो सुना है इसके बारे में। आई थिंक एमएसयू के अंदर नहीं सुना होगा, अदरवाइज आई थिंक जो जीटीयू वाले हैं उन्होंने सुना हुआ है कि यहाँ पे हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर होता है, फुल सब्ट्रैक्टर होता है,
और इन सबका एक अलग से सर्किट होता है, राइट। तो मुझे ये बताओ कि जब हम सर्किट बनाएंगे, जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम इसको डिजाइन करेंगे ALU को, तो ALU के अंदर क्या ये सर्किट डालेंगे? ALU के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो भी सर्किट होगा, जो भी लॉजिकल डायग्राम होगा, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, उसको हम इंप्लीमेंट करके वहां पर डालेंगे। हाँ बिल्कुल डालेंगे। तो अब हमारा पर्पस क्या है? अब हमारा पर्पस ये है कि अब जब मैं मशीन से ये काम करवा रहा हूं तो मुझे मुझे ये बताओ कि एडिशन के लिए सर्किट अलग से लगेगा और जो सब्ट्रैक्शन है इसके लिए सर्किट अलग से लगेगा, बराबर है। मगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मेरा काम जो है वो एक ही सर्किट कर रहा है और एक ही सर्किट से ये दोनों काम हो रहा है। ओ तेरी, क्या ये मकसद है? हाँ बिल्कुल, मेरा यहां पे मकसद ये है कि एक ही सर्किट हो, एक ही सर्किट हो और एक ही सर्किट ये दोनों काम करे। समझ रहे हो पर्पस क्या है? वन सर्किट मस्ट परफॉर्म एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। सब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स है। वन सर्किट मस्ट परफॉर्म एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। तो बताइए कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 4+3, ये तो सिंपल है। मुझे ये बताओ अगर हमें 4+3 करना है तो हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे? अगर हमें 4+3 करना है तो हम कौन सा सर्किट यूज करेंगे? क्या हम एडर यूज करेंगे या सब्ट्रैक्टर यूज करेंगे? अभी वो छोड़ दो, फुल एडर छोड़ दो, हाफ एडर छोड़ दो, आप सिंपल मुझे इतना बताओ कि अगर मैं 4+3 करना चाहता हूं तो जो सर्किट चाहिए वो सर्किट कौन सा चाहिए? क्या सर्किट मुझे चाहिए वो एडर होगा? बराबर। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 4-3 करना है तो क्या चाहिए? अगर मुझे 4-3 करना है तो क्या चाहिए? अच्छा, मुझे चाहिए सब्ट्रैक्टर। बोले हाँ कि ना? मगर अब जो मेरा टास्क है वो टास्क ये है कि जो 4-3 है ना, जो 4-3 है ये मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ एडर और उससे भी मैं सही आंसर लेके आऊंगा। तो बताइए क्या मैं ये कर सकता हूं? बताइए क्या मैं ये कर सकता हूं? ओ तेरी, हां सर, ये हम कर सकते हैं, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। मगर यहां पे जो -3 होगा, -3 को हम ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर है बताइए उसको तो हम एस इट इज लिखेंगे। 4 जो है उसको हमने एस इट इज लिख दिया, मगर जो नेगेटिव नंबर होगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बताइए अगर नेगेटिव नंबर है तो हम लेंगे नेगेटिव नंबर का, यहां पे ले रहे हैं 9 कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए जो नेगेटिव नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहां पे? यानी कि -3 को आप 3 ही लेना। एग्जैक्टली, तो जो आपका 9 कॉम्प्लीमेंट होगा वो 3 का क्या होगा? क्या वो 6 होगा? बोले हाँ कि ना? 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 जो है क्या वो 6 होगा? बोले हाँ कि ना? हाँ सर, वो 6 होगा। अब ये जो है ना उसको ऐड करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं कर रहा हूं एडिशन, बराबर, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10। अब मुझे यहां पे ये बताइए क्या यहां पे कैरी जनरेट हुआ? जो यहां ओवरऑल एडिशन किया है क्या उसमें कैरी जनरेट हुआ है? तो बताओ यहां पे कैरी क्या है? यहां पे जो कैरी जनरेट हुआ है, कैरी क्या है बेटा? एग्जैक्टली, जो कैरी है वो 1 है, बराबर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम R-1 कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन, और अगर वहां पे कैरी जनरेट हो रहा है, सो टू गेट द करेक्ट आंसर ये कैरी को आप लोग ऐड करोगे।
तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो क्या ये सही आंसर है 4-3 का? हाँ सर, बिल्कुल सही है। 4-3 का आंसर 1 आना चाहिए, और हमने ये किया है विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। यहां पे कैरी जनरेट हुआ है, तो कैरी को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 1, जो एक्चुअली में आंसर होना चाहिए था 4-3 का, वो आ गया। बोले हाँ कि ना? ये जो ऑपरेशन है, ये 4-3 है, उसका आंसर हमें यहां पे मिल गया है। बोलिए सबको यहां पे समझ में आया कि नहीं? एप्लीकेशन हमने 4-3 किया है, हमने 4-3 किया है। हाँ, मशीन में ऐसा होता है। आप लोग ये सोचोगे कि मशीन ये नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि मशीन नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा। मगर क्या आपको ये समझ में आया है कि जो एडिशन है वो एडिशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, सॉरी, जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। बोले हाँ कि ना? बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम -3 को -3 रखेंगे, नहीं, हम -3 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसको पॉजिटिव नंबर में ही कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये सबको समझ में आया है? अच्छा, अगर समझ में आया है तो एक और एग्जांपल करते हैं ना, सपोज आई एम गोइंग फॉर 45-30। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम वही कर रहे हैं जो हमें पता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 1-4 होगा? राइट, इसका आंसर 1-4 होगा। मगर मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, फोर्टी फोर, तो वो तो हमने एज इट इज लिख डाला है, साथ में करेंगे एडिशन किसका? -33 का। मगर हम लोग ये करेंगे कि जो 44 है, ये नंबर हमने एज इट इज ले लिया, ये 44, और जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हम उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेंगे? हाँ सर, हम उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और अगर हम उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो बताइए क्या होगा उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट? सर, इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट 69 होगा। चलिए, क्या इसको ऐड करें? तो चलिए इसको ऐड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 9 प्लस 4 इट इज 13। यहां पे कैरी जनरेट होगा जो आगे जाएगा, 6 और 4 10 10 और 1 11। अरे सर, आप तो उल्लू बना रहे हो, 33 की जगह 30 आएगा कहां पे? अतीश, सॉरी, तो अब ये सही है बेटा, हाँ। अब मुझे बताओ हमारा आंसर आना क्या चाहिए था? 14। मगर हमारा आंसर क्या आ गया? 113। तो कहां कुछ गलती है यहां? नहीं, मुझे यहां पे ये बताओ, क्या यहां पे भी कैरी जनरेट हुआ है? हाँ, आप लोग एडिशन कर रहे थे 2-डिजिट नंबर का और आपका फिर भी कैरी जनरेट हुआ है। तो सही आंसर लाने के लिए आप ये जो कैरी है, ये कैरी को ऐड करोगे, तो अभी आपका आंसर जो है वो क्या 14 आ गया? हाँ सर, बिल्कुल आ गया। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने का एक नया तरीका इजाद किया यहां पे। जो है मेरा कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहां पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडिशन, बराबर है? तो हमें मशीन के अंदर जो सर्किट लगेगा वो सर्किट कम लगेगा, सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा और हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका एक्सपेंस कम होगा।
क्या ये बात समझ रहे हो? पर्पस समझ रहे हो? हाँ, पर्पस को तो हम और समझने वाले हैं इन नेक्स्ट सेशन। आज का जो सेशन है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही है। मुझे आज एप्लीकेशन दिखाना नहीं था, मगर फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो क्या ये पूरा समझ रहे हो? एप्लीकेशन यहीं से फिर निकल के आएगा, एप्लीकेशन ऑफ टेंस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं इन नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे अच्छा जो है वो है आर्स कॉम्प्लीमेंट, जो है हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट। मगर वो अभी आज नहीं समझते हैं, क्योंकि मुझे आज आगे बढ़ना है विथ मेरे कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया है एप्लीकेशन एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्स। बोलिए हाँ कि ना, अब तक सब कुछ समझ में आया है? चलिए, एक्सीलेंट। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और यही चीज को पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर बेस टू नंबर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्स फॉर नंबर बेस टू नंबर सिस्टम। चलिए, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब है ये मेरा कॉम्प्लीमेंट फॉर आर इज इक्वल टू टू। तो बताइए, जब हम बात करेंगे फॉर बेस टू नंबर सिस्टम, तो हमारे पास अभी कौन कौन से दो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्स? अगर हम R की बात करेंगे तो R कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहां पे? अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो R कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, जो R कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। जो R कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। और जो R माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? जो R माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, वो हो जाएगा 1's कॉम्प्लीमेंट। आप लोग कॉलेज में सीधा पढ़ते हो वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट विदाउट लर्निंग द बेसिक, कि बेसिक क्या है। तो आई होप चलिए अभी क्लियर है आपको कि वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यहाँ पे आपका बेस टू है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अबाउट वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट समझना ईजी होगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं फॉर दी वंस कॉम्प्लीमेंट, ये काफी सिंपल है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं फॉर दी वंस कॉम्प्लीमेंट, और यहां भी सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर दी सिंगल डिजिट। यहां भी सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर दी सिंगल डिजिट। तो चलिए मुझे बताइए, इन केस ऑफ दी बाइनरी नंबर, सिंगल डिजिट के अंदर हमारे पास नंबर्स कौन कौन से होंगे? सिंगल डिजिट के अंदर हमारे पास नंबर कौन कौन से होंगे? एग्जैक्टली, इन केस ऑफ सिंगल डिजिट हमारे पास नंबर होंगे आइदर 0 और 1। तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैं जीरो की बात कर रहा हूं तो जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाउ डू वी फाइंड आउट जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट? हम क्या करेंगे जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट? तो चलिए मुझे ये बताइए, मैक्सिमम डिजिट कौन सा पॉसिबल है? मैक्सिमम डिजिट कौन सा पॉसिबल है फॉर अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी? ग्रेट, क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि जो मैक्सिमम डिजिट है इन अ बाइनरी, इन अ सिंगल डिजिट, वो 1 है, बराबर? तो यहां पे क्या करेंगे, फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट कैन वी गो फॉर 1 माइनस 0? हम वही तो करते आ रहे हैं। तो बताओ 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? क्या वो 1 हो जाएगा? हाँ सर, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ एक और पॉसिबल बिट क्या है? वो 1 है। तो चलिए अब मुझे बताइए, 1 का अगर निकाल रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट तो वो क्या होगा? अगर हम 1 का निकाल रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग? आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है वो है 1, आप करोगे 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। बोलिए हाँ कि ना, क्या ये समझ में आ रहा है? तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? इन केस ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा और 1 है वो 0 हो जाएगा, राइट? अच्छा, अगर ये आपको समझ में आया है तो चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर टू डिजिट बाइनरी नंबर, सो चलिए आप अब मुझे फटाफट से यहां कॉम्प्लीमेंट बताइएगा कि इन केस ऑफ टू डिजिट क्या होगा। तो अगर हम बताते हैं यहां पे हर एक नंबर लेते हैं, तो बताइए इन केस ऑफ टू डिजिट हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी होगी? पहले होगा हमारे पास नंबर आई कैन से 00, उसके बाद होगा 10, 01, 10 एज वेल एज 11।
क्या ये चार पॉसिबिलिटी होगी? हाँ सर, ये चार पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए, अगर हम यहां पे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, अगर हम यहां पे निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स, तो बताइए फॉर जीरो जीरो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? फॉर जीरो जीरो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल कौन है भाई? मैक्सिमम पॉसिबल है वन वन माइनस जीरो जीरो, तो ये हो जाएगा वन वन। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? मैं यहां पे इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, सो दैट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर वन वन, तो बताइए फॉर वन वन क्या हो जाएगा? माइनस जीरो वन करेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा? वन माइनस वन इट वुड बी जीरो, एंड वन माइनस जीरो इट वुड बी वन। बोले हाँ कि ना? क्या सब लोग समझ रहे हो ना? ये क्लियर है ना? हाँ बेटा, हाँ। अगर हम वन जीरो की बात कर रहे हैं तो फॉर वन जीरो क्या होगा? अगेन विल गो फॉर वन वन माइनस वन जीरो, सो इट वुड बी वन माइनस जीरो इट वुड बी वन, एंड वन माइनस वन वुड बी जीरो। सो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट ही हो रहा है ना। देखो यहाँ पे जीरो जीरो था, हाँ चलो ये लास्ट खत्म कर देते हैं। बताइए जो वन वन है वो क्या हो जाएगा? जो वन वन है वो क्या हो जाएगा? क्या वो जीरो जीरो हो जाएगा? हाँ सर, वो आपका जीरो जीरो हो जाएगा। तो आपको ये जो मैथ्स है या ये जो आप ये कर रहे हो मेथड, ये हर बार करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट बोला गया है तो वंस कॉम्प्लीमेंट जीरो जीरो का क्या हो जाएगा? हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि जीरो जीरो हो जाएगा वन वन, जीरो वन जो है ये हो जाएगा आपका वन जीरो, वन जीरो हो जाएगा आपका जीरो वन, और जो वन वन है ये हो जाएगा आपका जीरो जीरो। क्या ये समझ रहे हो? क्या ये समझ रहे हो? सीधा शॉर्टकट, जीरो की जगह वन कर दो, वन की जगह जीरो कर दो। अगर ये क्लियर है तो चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं नंबर ले रहा हूं, अगर मैं नंबर ले रहा हूं जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एग्जैक्टली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जहां जीरो है वहां पे वन कर दो, तो इट वुड बी वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो। चलिए क्या ये सबको समझ में आया? जो वंस कॉम्प्लीमेंट है क्या ये सबको समझ में आया? क्या मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ा सकता हूं? जो वंस कॉम्प्लीमेंट है क्या ये सबको समझ में आया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन आएगा भाई? आगे अब कौन आएगा? अब आएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। अब कौन आएगा? हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले निकालेंगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट और वहां पे प्लस वन ऐड करेंगे। बोलिए हाँ कि ना? सिंपल, जो पहले किया था वही कर रहे हैं। जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो है हमारा आर माइ आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन करेंगे। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? हाँ। चलिए अगर ये इसको समझ रहे हो तो यहां सीधा निकालते हैं, सीधा करते हैं एग्जाम्पल। तो सपोज एग्जाम्पल इज वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो, तो बताइए वन जीरो जीरो। तो चलिए आप लोग यहां पे हेल्प करोगे मुझे, सबसे पहले बताओ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके बाद क्विज भी रखा हुआ है, सो डोंट वरी। चलिए मुझे बताइए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट तो एकदम सिंपल होगा। तो चलिए जहां पे आपको कितने बीट हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बीट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट? आई थिंक वंस कॉम्प्लीमेंट वुड बी जीरो वन जीरो वन डबल जीरो वन जीरो डबल वन। क्या सबको ये मिला है? मैं चेक नहीं कर रहा हूं, आई थिंक सबका यही होगा, आई थिंक सबका यही होगा, राइट?
अब फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, क्या इसी के अंदर हम लोग प्लस वन को ऐड करेंगे? बोले हाँ कि ना। हाँ, अगर इसी के अंदर प्लस वन को ऐड कर रहे हैं तो चलिए, आई होप आपको एडिशन पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी एडिशन पढ़ा हुआ है। तो चलिए बताइए, वन प्लस वन क्या होगा, वन प्लस वन क्या होगा, यहां पे हम बिट बाय बिट कर रहे हैं एडिशन, तो वन प्लस वन क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो वन होगा। तो यहां पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आगे जाएगा, वन प्लस वन अगेन जीरो वन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये आगे जाएगा, उसके बाद ये वन यहां पे हो गया और बाकी जो बिट्स हैं वो आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्या ये सबको समझ में आया है, क्या ये सबको समझ में आया है? चलिए, मेक सम नॉइज अगर समझ रहे हो ये चीज को। आज के लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्स निकालना इज इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज अगर आपको कुछ दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, एप्लीकेशन आप लोग समझ जाओगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मगर आज आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने आने चाहिए। तो क्या ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है, बताइए हाँ कि ना। क्या ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है? हाँ सर, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा चलिए, कोई एक और एग्जाम्पल करते हैं यहां पे, एक और एग्जाम्पल करते हैं यहां पे। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट का तो एक और निकालते हैं यहां पे। तो एग्जाम्पल इज 01 01 001 001 1 साथ में 0। चलिए थोड़े नंबर, अच्छा चलेगा, ये नंबर चलेगा। तो बताइए क्या इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट बता पाओगे मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बिट हो गए। मैं एक और ऐड कर लेता हूं यहां पे, आगे वन कर दिया। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो आंसर आएगा ये आंसर आप लोग ऑक्टल में बोलो, तो इवन इट वुड बी इजियर फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि आप लोग सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। आपका जो भी आंसर आ रहा है ना वो आप ऑक्टल में बोलो, समझ रहे हो अभी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टल एंड हेक्सा। इंसान लोग ना 12 बिट देख के ना पागल बन जाता है, इससे अच्छा है कि हम ऑक्टल यूज करेंगे जिससे कि हमें ही आसानी होगा। हाँ देखो क्या हो गया, 2556। तो क्या सबका आंसर ये आ रहा है ऑक्टल के अंदर, 2556 2556? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम सीखते हैं क्या, अब हम सीखते हैं शॉर्टकट फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए रेडी हो जानने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट। ये शॉर्टकट जो है वो काफी सिंपल है। जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये निकाल लोगे आप लोग फटाफट से? जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो काफी आसान है ना? हाँ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना काफी आसान है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1। बताइए क्या ये हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल सही है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बहुत इजी है, तो उतना ही इजी आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना भी है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो निकालना इजी कैसे है। तो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बोर हो रहे हो तो बताना हाँ मेरे को, मेरे पास बहुत सारा मसाला है, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो बताना मेरे को, मेरे पास है बहुत कुछ दिखाने के लिए आपको। यानी वो बाबा की वाणी अभी आज की नहीं है, मैं कर सकता हूं बट ठीक है, हाँ अगर बोर हो रहे हो तो बताना मेरे को। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट जो भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आप लिखना चालू करोगे फ्रॉम LSB। बोलिए हाँ कि ना। जो भी नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको आप लिखना चालू करोगे फ्रॉम LSB। और
यहाँ पे आप जो डिजिट यहाँ पे है, जो बिट्स यहाँ पे है, यही बिट्स चिपका के जाओगे, यही बिट्स आप लिखते जाओगे। चालू किया आपने लिखना फ्रॉम LSB, हाँ तो ये जीरो हो गया, जो पहला बिट है वो जीरो हो गया, उसके बाद का बिट है वो वन हो गया, बराबर। तो आपको ये जो डिजिट है वो एज इट इज लिखने हैं जब तक कि आपको सबसे पहला वन नहीं मिल जाता। क्या बोला मैंने, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द LSB एंड कीप कॉपिंग द बिट्स अंटिल यू रिसीव द फर्स्ट वन। तो बताइए यहां पे मैंने बिट्स को लिखा मैंने, तो क्या मुझे यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम LSB, तो क्या मुझे यहां पे वन मिल गया, क्या मुझे यहां पे वन मिल गया, हाँ वन मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर होगा उसके हर एक बीट को कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि हर एक डिजिट को, हर एक बीट को वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दो। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, पहला वन एनकाउंटर हो गया, अब जो भी है वहां पे आपको प्रोवाइड करना है वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए अब क्या हो जाएगा, जीरो जीरो इट वुड बी वन वन, उसके बाद वन है इट वुड बी जीरो, अगेन टू जीरोज तो इट वुड बी आई कैन से वन वन, अगेन इट वुड बी जीरो वन, इट वुड बी से जीरो वन। मैं कहां पहुंचा, ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ बिट्स हुए और ये जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, क्या समझ रहे हो, ये जीरो वन जीरो, हाँ समझ रहे हो ये। तो यहां पे अगर मैं इसको ढंग से लिख रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार्ट राइटिंग द नंबर फ्रॉम LSB और कीप राइटिंग एज इट इज नंबर अंटिल यू एनकाउंटर द फर्स्ट वन। जैसे ही पहला वन आ गया उसके बाद जो भी डिजिट होगा उसको आप कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दोगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे वन 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 जीरो, वन वन जीरो, उसके बाद वन 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 जीरो, ओके फिर से आएगा मेरा आई कैन से वन वन जीरो, उसके बाद आएगा वन जीरो वन जीरो। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा था, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा था, कुछ नहीं, वी कैन वेरीफाई, वी कैन वेरीफाई। हम लोग इसको लिखते हैं इन इन ऑक्टल, ऑक्टल में हम तीन तीन का पेयर कर रहे हैं। तो चलिए अगर कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू फाइव फाइव सिक्स। तो बताइए क्या आपका भी आंसर यही था, टू फाइव फाइव सिक्स, हाँ सर हमारा भी यही आंसर था। तो ये मेथड समझ रहे हो, ये जो शॉर्टकट है, क्या ये शॉर्टकट समझ रहे हो आप लोग, समझ में आया है शॉर्टकट। क्या मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, हाँ अच्छा, ये शॉर्टकट जो है ये पहले एग्जांपल में वेरीफाई कीजिए, ये जो शॉर्टकट है ये पहले एग्जांपल में वेरीफाई कीजिए, क्या वो सही हो रहा है, पहले एग्जांपल में वेरीफाई कीजिए क्या वो सही हो रहा है। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द LSB, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द LSB एंड कीप राइटिंग द बिट्स, कीप राइटिंग द बिट्स अंटिल यू एनकाउंटर द फर्स्ट वन। तो मुझे यहां पे पहला वन यहां पे मिल गया, उसके बाद जो जो भी आपके बिट्स है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो, ये जीरो ये वन, ये जीरो ये वन, ये जीरो, क्या ये हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या सब लोग ये बातें समझ रहे हो, क्या सब लोग ये बात समझ रहे हो, अच्छा चलिए अगर समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आई होप ये आप कर लोगे। सो क्वेश्चन इज, से क्वेश्चन इज वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार हाँ, इसका निकालिए टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका इनफेक्ट दोनों निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए और टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालिए। चलिए निकाल पाओगे आप लोग, ऑब्वियसली आई थिंक निकाल पाओगे,
इसका निकालिए वन्स कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज टूज कॉम्प्लीमेंट। आप अपने आंसर्स रखिए अपने पास, क्योंकि हाउ कैन आई वेरीफाई, वो नंबर्स देखना इवन मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, सबके डिजिट्स देखना। मैं आंसर लिखूंगा यहां पे, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बराबर है? इट वुड बी अ नाइस ऑप्शन। सो टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट? वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अगर हम बात करते हैं फॉर द वंस कॉम्प्लीमेंट, वो तो बहुत सिंपल है, आई थिंक वो हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 1 0। क्या ये हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 8। अगर ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो ऑक्टल में क्या हो जाएगा? ऑक्टल में इसको लिखना होगा तो आसान रहेगा इवन फॉर अस। तो ऑक्टल में ये हो जाएगा आपका 0, दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी 2। क्या सबका आंसर ये हो रहा है? 5 2 इन ऑक्टल, राइट? एग्जैक्टली। तो चलिए इन टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, विल कीप राइटिंग फ्रॉम एलएसबी। ओ तेरी, यहां तो पहला ही वन मिल गया। अगर पहला ही वन मिल गया तो बात ही खत्म है, उसके बाद जो भी है उन सब को फ्लिप कर दो। तो ये 0 0, ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 1, बराबर है? तो चलिए अगर आप लिखोगे इसको ऑक्टल के अंदर, तो बताइए ऑक्टल के अंदर ये नंबर क्या बनेगा? ऑक्टल के अंदर ये नंबर क्या बनेगा? क्या ये नंबर बनेगा 0 5 3 0 5 3? हाँ। क्या इसका ये नेक्स्ट नंबर है ऑक्टल के 5 2 के अंदर? अगर आप प्लस 1 करोगे तो 5 3 आएगा। हाँ सर, 5 3 आएगा। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं और ये एकदम क्लियर है। क्या ये सबको क्लियर है? ये वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या सबको क्लियर है? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ग्रेट। चलिए अब हमें दो ही देखना है। वो जो दो देखना है वो है हमारा सबसे पहला होगा कौन सा? सबसे पहला होगा कॉम्प्लीमेंट। अगेन कॉम्प्लीमेंट्स किसके लिए? किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्स फॉर आर इज इक्वल टू 8। तो चलिए मुझे ये बताओ, अगर हम r इज इक्वल टू 8 के लिए बात कर रहे हैं तो यहां हमारे पास कौन कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्स पॉसिबल है? अब तो बहुत सिंपल है ये चीज, बताइए। एग्जैक्टली, यहां पे r कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? r कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। r कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट और r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 7 कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। चलिए तो सीधा एग्जाम्पल करते हैं, राइट? चलिए तो करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे फॉर सेवंथ कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए बात करते हैं फॉर द सेवंथ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब ये काफी सिंपल हो गया है आपके लिए, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। तो इसको खत्म करते हैं। तो चलिए मैं नंबर ले रहा हूं, से नंबर इज 654 इन बेस 8। चलिए क्या आप निकाल पाओगे इसका सेवंथ कॉम्प्लीमेंट? अमन, कुछ डाउट हुआ? आपने लिखा है 8 एंड 7। अमन, कुछ डाउट हुआ है आपको? अच्छा, हाँ। अब बताइए यहां पे सेवंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसका सेवंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा, 777 माइनस 654 करोगे? लो, बहुत सही। क्योंकि अब आपको क्या चाहिए कि भैया बेस 8 के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा, तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि वो 777 होगा, और ये 777 माइनस 654 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 का 4।
नहीं, क्या हो जाएगा? 1, 2 का 3। इन इन बेस कौन सा? इन बेस कौन सा? एग्जैक्टली ये आपका आंसर है, ये आपका बेस 8 के अंदर है। क्या ये समझ रहे हो? क्या ये बहुत सिंपल है? हाँ रे भाई, बहुत सिंपल है, समझ रहे हो ना। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सो क्वेश्चन इज से 4, 3, 4, 3, 2, 7 इन ऑक्टल। चलिए बताइए इसका आपका सेवंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका सेवंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यार बहुत सिंपल है रे, बहुत सिंपल है, बहुत एकदम हलवा है, हलवा एकदम। हाँ बताइए यहां पे क्या करोगे? गुड गुड गुड, इट्स अ 3, 4, 5, 0। क्या सबका आंसर ये आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे? विल गो फॉर 7, 7, 7, 7 माइनस 4, 3, 2, 7। सो आवर आंसर वुड बी, आई कैन से 3, 4, 5, 0। क्या सबका आंसर ये आ रहा है? क्या सबका आंसर ये आ रहा है? 3, 4, 5, 0, राइट? एक्सीलेंट। चलिए अब आप ये भी समझ गए होंगे कि यहां पे 8's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो भी हलवा है। ये तो यहां पे जो 8's कॉम्प्लीमेंट है वो भी एकदम हलवा है। यहां तो बोलो क्या करेंगे फॉर 8's कॉम्प्लीमेंट? मैंने पहले ही आपको सिखाया है, बहुत सही। फॉर 8's कॉम्प्लीमेंट करोगे, फॉर 8's कॉम्प्लीमेंट करोगे आप लोग 7's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये यहां पे करेंगे 7's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो चलिए अगर हम पहले का ही एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम पहले का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो बताइए 6, 5, 4 बताइए इसका आपका 8's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? आपको जस्ट प्लस 1 ऐड करना है, आपको जस्ट प्लस 1 ऐड करना है। तो यहां पे आपका 8's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपका 8's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इट वुड बी 1, 2, 4, इट वुड बी 1, 2 का 4 इन बेस 8 नंबर सिस्टम, राइट? चलिए अब थोड़ा देता हूं डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे आप लोग फंसोगे। तो क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन इज से 1, 2, 3, 4, लंबा नहीं कर रहा हूं, छोटा ही रख रहा हूं, 1, 2, 0 इन बेस 8। चलिए निकालिए इसका 8's कॉम्प्लीमेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब आए सबके आंसर, आंसर अलग। 6, 5, 8, 6, 6, 0, 6, 5, 8, 7, 6, 8। फंस गए ना बच्चों, फंस गए ना बच्चों, फंसे फंसे। कौन कौन फंसा? शिवानी फंसी, उत्तम फंसा, नित्य फंसा, टेंटेने फंसे फंसे, मैं बोल तो रहा हूं फंसे। गुड 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 गुड। प्रांशु नहीं फंसे, धनंजय नहीं फंसे, दीप नहीं फंसे, गुड गुड गुड। चलिए चलिए बताइए शिवानी और जो लोग फंसे थे, आपको क्या लगता है आप लोग कहां पे फंसे हो या कहां पे गलत हो आप लोग? आप लोग कहीं ना कहीं पे तो गलत हो, तो मुझे ये बताओ कहां पे गलत हो। गुड गुड अपूर्वी, वेदांत, दीप बिल्कुल सही जा रहे हो, बट आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अब गड़बड़ क्या हो गई? अब गड़बड़ क्या हो गई है? हाँ ऑक्टल में 8 नहीं आएगा। शिवानी सबको समझ में आया, अरे कृष 669 कहां से आ गया?
हाँ कृष, अच्छा 660, गुड गुड गुड। हाँ नितिश, 7+1 तो 8 ही आएगा ना। तो सर आप तो गलती कर रहे हो, तो चलिए सिखाता हूं आपको। बोलिए क्या करेंगे यहां पे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर से 777 माइनस जो है आपका 120, बराबर है। तो चलिए अब मुझे यहां पे ये बताइए, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6, ये सही है, ये सही है। हाँ सर ये तो सही है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका 7th कॉम्प्लीमेंट। बोलिए क्या सब लोग ये बात से सहमत हो, ये हो गया है आपका 7th कॉम्प्लीमेंट, बराबर है। हाँ सर बिल्कुल बराबर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है यहां पे प्लस 1। मगर भैया आपको एडिशन सिखाया है सर ने, आपको सर ने एडिशन सिखाया है इसके प्रीवियस सेशन में। हाँ सिखाया है 7+1 8 होगा। मगर बेटा 8 जो है इज इट अ पार्ट ऑफ ऑक्टल, 8 जो है इज इट अ पार्ट ऑफ ऑक्टल, नहीं। तो भले आप एडिशन कर रहे हो डेसिमल में, मगर ये 7+1 जो है वो 8 है। आप लोग 8 को फैक्टराइज करोगे, तो 8 1s are 1 और कैरी 0, तो यहां पे है नहीं। हाँ ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, तो 0 यहां पे, कैरी 1 आगे फॉरवर्ड होगा, 1+5 इट वुड बी 6, 660 इज अ करेक्ट आंसर। किन किन लोगों का ये आंसर सही था, मेक सम नॉइस, 660 इज अ करेक्ट आंसर। तो किन किन लोगों को ये पहली दफा में झबक गया था कि यहां पे सर खेल कर गए हैं भाई, यहां पे सर अच्छा वाला खेल कर गए हैं। हाँ अब नहीं फंसोगे ना, आपको अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है ना। कुछ भी रटो मत, है ना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आपको जो भी सीखना है वो लॉजिकली सीखना है और मैं वैसे ही सिखा रहा हूं आपको, है ना बेटा। चलिए तो क्या आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ लास्ट बाकी है जो है हेक्स के अंदर, उसके बाद करते हैं एक क्विज और खत्म करते हैं हमारा सेशन। तो चलिए अगर लास्ट में बात करते हैं तो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्स, किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर r = 16। तो चलिए मुझे बताइए यहां पे आपके कौन कौन से दो पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। एग्जैक्टली एक तो होगा आपका r's कॉम्प्लीमेंट, जो होगा आपका 16th कॉम्प्लीमेंट, और एक होगा वो होगा आपका 15th कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ कि ना, एक होगा वो होगा आपका 15th कॉम्प्लीमेंट। मगर मुझे ये बताओ 15th कॉम्प्लीमेंट को और क्या बोल सकते हो आप लोग, 15 डेसिबल में है, इसको हेक्सा में क्या बोलते हैं। बहुत सही, इसको बोलेंगे एफ्स कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ कि ना, इसको बोलेंगे, एक और नाम भी है इसका जो है एफ्स कॉम्प्लीमेंट। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, यह है इवन एफ्स कॉम्प्लीमेंट। एफ्स कॉम्प्लीमेंट और 15th कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है। तो सर 16th कॉम्प्लीमेंट को हम जीस कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ओ भाई तूने जी ऐसा सिंबल कहीं पे देखा, नहीं ना, तो उसको नहीं बोल सकते, उसको हम लोग 16th कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे, बराबर है, चलिए अगर बराबर है तो एग्जाम्पल करते हैं और सिंपल एग्जाम्पल करते हैं जो आप समझ ही जाओगे। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वाला, सबसे पहले यहां पे क्या देखेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहले यहां पे देखेंगे हम लोग एफ्स कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द एफ्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो चलिए मुझे बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सो एग्जाम्पल इज
ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बस खत्म, आगे नहीं जाना है। ए बी सी डी और ये है आपका बेस 16। तो चलिए यहां पे बताइए इसका 15th कॉम्प्लीमेंट या इसका F कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ओहो बिल्कुल सही, इसका F कॉम्प्लीमेंट और 15th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 15th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या सबका आंसर 5432 आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ यहां पे आप लोग क्या करोगे, यहां पे आप लोग क्या करोगे टू ऑप्टेन 15th कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, यहां मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा। गुड गुड एक्सीलेंट, यहां मैक्सिमम पॉसिबल होगा F F F F माइनस ए बी सी डी, तो ये आपका नंबर हो जाएगा आई थिंक F स्टैंड्स फॉर 15 और ये 10, तो ये 5 4 3 2। कौन सा नंबर सिस्टम है भाई, इसका बेस कौन सा लेंगे, एग्जैक्टली ये 16 बेस ही है बराबर। कोई भी ऐसा बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आया, यहां पे कोई भी ऐसा है 40 लोगों में से जिसको ये समझ में नहीं आया, क्या सबको समझ में आया है। एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको, एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको, चलिए तो अगर एग्जांपल ले रहे हैं सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज से 1020 इन 16 बेस नंबर सिस्टम। चल इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आपका F कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। चलिए लेट मी नो, सिंपल है, गलतियां मत कीजिएगा, यहां पे बताइए यहां पे इसका F कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ओहो ओहो हो हो, बहुत सही बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रांशु पंकज धनंजय मिरल उन्नति उत्तम सूची सबका सही है, ई एफ डी एफ बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे यहां पे भी हम लोग करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है वो है आपका एफ 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 माइनस हम लोग करेंगे 1020। तो अभी आपको ये पता होगा कि एफ माइनस 1 आपको ई देगा, F माइनस 0 आपको F देगा, F माइनस 2 आई थिंक आपको D देगा एंड F माइनस 0 आपको F देगा। क्या सबको ये क्लियर है, जितने भी लोग यहां पे हैं क्या सबको ये क्लियर है। ग्रेट 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 एक्सीलेंट। चलिए अभी लास्ट करते हैं, सो लास्ट इज कौन सा हमारा, लास्ट इज 16th कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए इन केस ऑफ 16th कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे हम लोग। सिंपल है सर, अब तो ये याद रह गया है प्लस 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा आपका F कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। चलिए यहां मैं आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूं जो डिफिकल्ट 1 है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 300 जो 16 बेस के अंदर है इसका निकालना है 16th कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक ही एग्जांपल दे रहा हूं जो डिफिकल्ट 1 है, चलिए इसका आप लोग ढंग से निकालिए 16th कॉम्प्लीमेंट, टेक योर टाइम और मुझे बताइए इसका 16th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ओहो क्रिश धनंजय फटाफट आंसर्स आ रहे हैं, गुड 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 मिरल गुड गुड वेदांग प्रांशु उन्नति उत्तम एक्सीलेंट, क्या सबका आंसर यही आ रहा है।
बाप रे बाप, खतरनाक खतरनाक, यानी आई एम एंजॉइंग मच, आई एम एंजॉइंग वेरी मच। लाइक तीन सेशन में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, बहुत सही। सो एफ 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 माइनस 300, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एफ कॉम्प्लीमेंट, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 15 में से 3 गया, 15 में से 12, एंड 12 वुड बी आई थिंक सी एफ एफ, आई थिंक ये हो रहा है सी एफ एफ, सबका ये हो रहा है सी एफ एफ। ओके शिवानी क्या बोल रहे हो, 16 से 0 हो तो 16 होगा, यानी शिवानी नहीं समझा, अच्छा समझ गए आप शिवानी, डाउट हो गया क्लियर खुद से ही, ओके ओके हाँ, ये होगा एफ्स कॉम्प्लीमेंट, ये होगा आपका एफ्स कॉम्प्लीमेंट, और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्लस 1 को, तो चलिए बताइए क्या होगा, क्या बताइए यहां पे क्या होगा, एफ जो होगा ये है 100, एफ क्या है 15, 15 और 1 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 को हम लोग क्या लिखेंगे एग्जैक्टली प्रांशु, ये हो जाएगा 0 कैरी 1, अगेन आपका एफ प्लस 1, 15 एक 16 वुड बी अगेन 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही एकदम सटीक यॉर्कर, क्या सबको समझ में आया है। यहां पे जितने भी लोग हैं एक बार बड़ा सा यस बोल दो अगर समझ में आया है तो, कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सबको समझ में आया है, ओके चलिए तो कैन वी गो फॉर अ क्विज, गुड 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 गुड, सबका डी हो रहा है, ये सॉल्व कीजिए आंसर बताइए इसका, पंकज आराम से, मैं वही बोल रहा हूं आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, भैया देखो वहां पे कुछ तो है, वहां पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्वेश्चन को दो बार देखो, क्वेश्चन को दो बार देखो, ऐसे ही फटाफट आंसर मत करो, आपको फंसाने के लिए वहां पे कुछ तो तरकीब किया गया है, टॉपर्स लोग क्वेश्चंस को दो बार देखते हैं, भैया दो बार देखो क्वेश्चन को, डी नहीं प्रांशु, सी सही है 2503, क्योंकि आपको यहां पे देके रखा है हेक्सा, मगर आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्टल, समझ रहे हो, यहां पे गेम हो गया आप सबके साथ, हाँ समझ रहे हो ना, अच्छा प्रांशु सी हो रहा है ना, हाँ सी हो रहा है ना, ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आई हैव ट्राइड टू कवर बोथ द टॉपिक्स जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कन्वर्जन एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्स, राइट चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर बताइए, सबका आंसर आ जाएगा फिर मैं बताऊंगा कौन सा आंसर सही है, चलिए सब लोग फटाफट से रिप्लाई कीजिए, उसके बाद एंड में मैं आंसर बताऊंगा, गुड गुड गुड, चलिए सबका आंसर सही है, शिवानी 147 नहीं है बेटा 146 है, सेवंस कॉम्प्लीमेंट पूछा है बेस 8 के अंदर, तो वो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है ना शिवानी, इट इज नॉट प्लस 1 वाला,
शिवानी आई होप इट्स क्लियर। अच्छा टाइप हो गया मिस्टेक, ओके ओके नॉट एन इश्यू। तो चलिए ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। नेविल, प्रांशु ध्यान से देखो, प्रियांशी ध्यान से देखो, शिवानी नहीं ध्यान से देखो, भास्कर यहां पे बोला गया है कि आपका आर जो है वो चार है और वहां पे फोर्स कॉम्प्लीमेंट है, उन्नति नहीं बेटा। उन्नति आपको बेस टेन में कन्वर्ट करना है, देखो क्वेश्चन देखो ढंग से। गुड गुड, ऑप्शन डी 118 इज करेक्ट आंसर। क्या सबको मिल रहा है? आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये आर्स कॉम्प्लीमेंट है या आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है, बताओ ये कौन है, ये आर्स कॉम्प्लीमेंट है या आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है। एग्जैक्टली ये आर्स कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां प्लस वन करोगे, यहां प्लस वन करोगे, हाँ बिल्कुल करोगे, है ना। तो आपके आंसर्स यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक क्लियर है ना सबको, ये हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। ऑप्शन डी करेक्ट है यहां पे। अच्छा अच्छा डन डन डन, चल चल नेक्स्ट। गुड 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 गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 125 125, गुड गुड, इट्स करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट। गुड गुड गुड, एवरीवन इज गेटिंग 5 6, ऑप्शन बी एक्सीलेंट, लाइक कन्वे हुआ है जो पढ़ा है वो कन्वे हुआ है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, बढ़े ना आगे, 5 6 सबका हो रहा है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, गुड 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 गुड, एवरीवन ओवर हियर इज गेटिंग 1 6, ऑप्शन डी एक्सीलेंट, बेहतरीन, बहुत सही। सो आई होप लाइक कॉम्प्लीमेंट का जो टॉपिक है वो पूरा कन्वेड हो गया है, इवन यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स विच आर देयर, कंसेप्ट एप्लीकेशन डेफिनेटली विल लुक एट इन नेक्स्ट वीक। सो चलिए आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।
कोई डाउट है तो आई एम हियर।